लेकिन लक्ष्मी गणराज विश्व का पहला गणतंत्र की जननी यही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम, बुद्ध भगवान का जन्म, उनका मरण और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक ही दिन। जितने भी अशोक स्तंभ है ये सबसे अलग है क्योंकि यह आप शीर्ष पर। हे गाइस, मैं अविनाश अग्रवाल फिर से आप सभी का पूरा दिल से स्वागत करता हूँ आपका अपना ब्लॉगिंग चैनल अभी ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज आपका भाई उपस्थित है फिलहाल वैशाली में। और वैशाली का इतिहास गाइस आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो गाइस आज आपका भाई आपको बताने वाला है। और वैशाली का हर वो टूरिस्ट प्लेसेस आज आपका भाई कवर करने वाला है। तो फिलहाल बने रहिए ब्लॉग के साथ क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही धांसू होने वाला है गाइस। और गाइस फिलहाल मैं अभी हूँ राजा विशाल के गढ़ के पास, राजा विशाल के गढ़ में। और आप जो मेरे पीछे अवशेष देख रहे हैं ना, ये ऐसा माना जाता है जो यहाँ के जो राजा थे, राजा विशाल, ये उनके संसद का अवशेष है। तो गाइस मैं फिलहाल घूम रहा था और मुझे ये मिले अंकल जी। तो अंकल जी आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम रामवृक्ष राय है। तो चलिए अंकल जी से यहाँ से और भी डिटेल्ड जानकारियाँ इनसे लेते हैं। तो अंकल जी आप यहाँ के बारे में और कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। यहाँ तो अभी तो देख रहे जो खंडर है ये राजा विशाल के नाम से जाना जाता है कि विशालगढ़ का खंडर है, लेकिन लक्ष्मी गणराज विश्व का पहला गणतंत्र की जननी यही है। जिस समय पार्लियामेंट हाउस था वो पूरे विश्व का ही संसद लोग कितने आते थे उस समय अपना विचार विमर्श करने के लिए, 7,777 संसद लोग यहाँ आकर अपना मीटिंग विचार करते थे, वही आपका ये अभी राजा विशालगढ़ से जाना जाता है। तो मैं फिलहाल अभी उसी कंपाउंड में हूँ, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से सिनेमैटिक शॉट। और गाइस आपको थोड़ा बहुत वैशाली के बारे में बता दूं, वैशाली जो है वो 12 अक्टूबर 1962 को मुजफ्फरपुर से अलग हुआ था। जी हाँ, उससे पहले ये मुजफ्फरपुर में ही था। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हूँ, मैं आपको सीधा यहाँ से टूर करवाता हूँ और घुमाता हूँ आज आपको वैशाली। तो फिलहाल ये था पहला लोकेशन, अब हम लोग चलेंगे दूसरे लोकेशन पे। वो दूसरे लोकेशन क्या होगा तो वो जानने के लिए वीडियो के साथ जरूर बने रहें। तो गाइस फिलहाल अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ब्लॉक के दूसरे लोकेशन पे, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विश्व शांति स्तूप, ये है इस ब्लॉक का दूसरा लोकेशन। और यहाँ के हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँ तो ये फौजी ग्रुप द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि देखने आपको काफ़ी खूबसूरत दिखेगा ये। तो चलिए इसको अंदर से पूरा देखता हूँ और आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ और भी बताता हूँ आपको। फिलहाल चलते हैं यहाँ इसके ऊपर। पहले हमें ये जानना होगा जो इसको बनाने का जरूरत क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम का हमला किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तब वहाँ के गुरुओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिलहाल ये स्तूप, ऐसा स्तूप आपको भारत में 4 जगहों पर देखने को मिलेगा, जो कि है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली और चौथा तो आप देख ही रहे हैं बिहार के वैशाली। आइए अंदर से पूरा देखते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग शांति स्तूप घूम चुके हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये खुली रहती है, आप इस बीच में आके कभी भी यहाँ का सुंदरता का दीदार कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है दूसरे लोकेशन पे जाने का। तो गाइस मैं फिलहाल पहुँच चुका हूँ दूसरे लोकेशन पे और यहाँ बुद्ध भगवान का अस्थियाँ रखी गई है। और यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताऊँ मैं तो, बुद्ध भगवान के अस्थि को 8 भागों में बांटा गया था,
जिसका एक भाग लक्ष्मी को भी मिला था। मैं एक और भी आपको अनोखी जानकारी यहाँ देना चाह रहा हूँ। बुद्ध भगवान का जन्म, उनका मरण और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक ही दिन हुई थी, जो कि है बुद्ध पूर्णिमा। ऐसा कहीं किसी के साथ नहीं हुआ है, सिंगल एक यही बुद्ध भगवान महापुरुष है जिनका मरण, जन्म और ज्ञान तीनों चीज़ एक ही दिन प्राप्त हुआ था, वो है बुद्ध पूर्णिमा को। और इसलिए बुद्ध पूर्णिमा जिम्बाब्वे, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत आप देख ही सकते हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाता है। तो फिलहाल हम आपसे बातें करते करते पहुँच चुके हैं उस स्थान पे, चलिए आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का घंटा भी टन 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 दबाएं। तो गाइस फिलहाल अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ब्लॉग के लास्ट लोकेशन पर, जो कि है अशोक स्तंभ। और आप मेरे पीछे ये मेरे हाथों में ये देख रहे हैं टिकट, जिसका प्राइस पड़ा है मुझे 25 रुपये और फॉरेनर के लिए यहाँ है प्राइस 300। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दीदार करवाते हैं। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ आपको लेके इस वीडियो के सबसे लास्ट लोकेशन पे। जी हाँ गाइज, अशोक स्तंभ वैशाली आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज। और मैं आपको बता दूँ तो ये मेरे भी फेवरेट राजा रहे हैं। तो गाइज फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अशोक स्तंभ के पास। आप मेरे पीछे ये जितना भी देख रहे हैं ये सब 1996 के बाद खुदाई में ये सब मिला था, इससे पहले ये नहीं था, आंखों से ओझल था, बट जब ये खुदाई किया गया तो ये सब कुछ मिला। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो पिलर, मैं आपको नज़दीक से भी जाके दिखाऊंगा। तो गाइस आप जो मेरे पीछे ये अशोक स्तंभ देख रहे हैं वो 1996 में खुदाई के बाद निकाला गया था। ये सबसे अलग है, अलग जितने भी अशोक स्तंभ है ये सबसे अलग है, क्योंकि यह आप शीर्ष पर देख सकते हैं सिर्फ एक सिर का मुख है। ये ऐसा इसलिए है और ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये दर्शाता है बुद्ध भगवान का जो अंतिम यात्रा था वो उत्तर की ओर था, और शेर का जो मुख है वो उत्तर की ओर है, और ये यही दर्शा रहा है। आपको मैं यहाँ का पूरा सिनेमेटिक शॉट दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ का, और भाई के साथ बने रहिए, अभी ब्लॉग के साथ बने रहिए। गाइज मेरा मन कर रहा है यहाँ से जाऊँ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ बिहार में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बिहार में क्या पूरे विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, आप सिनेमैटिक शॉट देख रहे हैं, जब ये अपने पूर्ण आकार में होगा तो कितना खूबसूरत लग रहा होगा। अभी तो फिलहाल ये अवशेष ही रह गया है। तो गाइज अब आज का ब्लॉग यहीं लास्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज मैं आपको जितना भी घुमाया हूँ सब हिस्टोरिकल प्लेसेस था, और ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस बिहार के वैशाली में स्थित है। अगर आप लोग भी आना चाहें तो यहाँ ज़रूर आए। तो बस आज इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक बने रहें और अपना प्यार बनाए रहें अभी ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।